नमस्कार। जन सरोकार मंच के द्वारा एक विशेष श्रृंखला लगातार प्रसारित की जा रही है, जिसमें हमारी कोशिशें हैं कि हम ज्वलंत सवालों को सामने लाएं और उनसे जो प्रबुद्ध हमारे विद्वान हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, बड़े साहित्यकार हैं, उनके विचार उन सवालों के साथ सम्मुख रखते हुए उनके विचार आप तक पहुंचाएं। उसी श्रृंखला में पिछले एपिसोड में हमने राजेंद्र गर्ग साहब को से सामने एक सवाल रखा था कि अपने आप प्रजातंत्र है तो लाजमी है कि हमारा जो मतदाता है उसका विवेकशील होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें कमी महसूस होती है। और इसी के आसपास जो कारण नजर आते हैं वो ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसमें कई जगह हमें झोल नजर आने लगते हैं, कई बार विशेषकर चुनावी मुद्दों के साथ। उसी वक्त उसके समापन पर मैंने ये भी कहा था कि हम इसी श्रृंखला को इसी सवाल के संग आगे अन्य प्रबुद्ध जनों के संग और शेयर करेंगे। तो आज जैसा कहा था, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनु शर्मा। मनु शर्मा विचारक, लेखक, चिंतक और एक प्रबुद्ध रचनाकार हैं, और इनसे इस बात पर विमर्श, इनकी वैचारिकता हम सबके बीच अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ हम सब सुनेंगे। इसी विश्वास के संग के विशेष कमेंट्स के साथ हमें इंतजार भी रहेगा। तो मैं डॉक्टर मनु शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच पर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सक्सेना जी, देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार साथियों, सक्सेना जी ने आप लोगों को बताया है कि जन सरोकार मंचों की ओर से जो एक विचार श्रृंखला संचालित की गई है, लोकतंत्र और विवेकशील मतदाता, इस श्रृंखला में पहले आप लोगों ने प्रोफेसर आरपी गर्ग के विचार सुने और मैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसका स्वरूप राज्य और शासन के स्तर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जनता के अंदर राजनीतिक शक्ति को निहित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि कोई राज्य और उसका शासन प्रशासन लोकतांत्रिक पूरी तरह से तब हो पाता है जब समाज का स्वरूप भी लोकतांत्रिक हो। अगर इस बात को इस तरह से हम ये कहें कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राज्य
समाज और शासन तीनों का लोकतांत्रिक होना बहुत जरूरी है। कई बार ये देखने में आता है कि राज्य का स्वरूप तो लोकतांत्रिक होता है, और मैं जब राज्य के स्वरूप के लोकतांत्रिक होने की बात कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि राज्य अपनी राजनीतिक शक्ति को जनता के अंदर निहित मान करके चलता है, और साथ ही साथ वह जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है, और जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए वह निरंतर प्रयासरत भी रहता है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक राज्य होता है वह अपनी जनता के अंदर जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर किसी तरह का कोई भेद नहीं करता है। लेकिन राज्य के लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी कई बार जो शासन होता है उसका स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं होता, और उसका नतीजा ये निकलता है कि राज्य जो है वो पूरी तरह से जनता के प्रति अपनी जो जवाबदेही है, अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपने जो सरोकार हैं, उनको उस तरह से साकार नहीं कर पाता। इसलिए जहां राज्य लोकतांत्रिक हो वहां शासन की पद्धति का भी लोकतांत्रिक होना बहुत जरूरी है। और इससे बढ़कर के एक बात जिसकी तरफ मैंने अभी शुरू में इशारा किया कि जिस समाज के अंदर इस तरह की व्यवस्था चल रही हो उस समाज का स्वरूप लोकतांत्रिक होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि हमारे यहां राज्य और शासन के स्तर के ऊपर तो लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन हमारा जो समाज है उसके अंदर उस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक चेतना और कहना चाहिए कि एक जो संवैधानिक नैतिकता होती है उसका अभाव दिखाई पड़ता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे एक तरह से संविधान के निर्माता माने गए हैं, वे बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि किसी भी देश के अंदर जो सामाजिक लोकतंत्र है वही राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। और सामाजिक लोकतंत्र कहने के पीछे उनका उद्देश्य यह है कि जिस समाज के अंदर जातिगत भेदभाव हो, जिस समाज में ऊंच नीच हो, जिस समाज के अंदर धर्म को लेकर के लोगों के बीच में विद्वेष और मनमुटाव हो, जो समाज भाषाओं के आधार पर बटा हुआ हो, जिसके अंदर क्षेत्रीयता सिर उठाती रही हो, वह समाज लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता।
और ऐसी स्थिति के अंदर जो लोकतंत्र का स्वरूप है वह पूरी तरह से उभर करके नहीं आता है। देखिए क्या है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र जो हमारे यहां पर प्रचलित हुआ वो आजादी के आंदोलन के दौरान एक मूल्य के रूप में, एक जीवन मूल्य के रूप में हमने उसको अर्जित किया और ये जीवन मूल्य क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद एक लोकतांत्रिक चेतना का प्रसार दिखाई पड़ता है तो उससे हमारे यहाँ का जो समाज है, हमारे यहाँ के जो आजादी के तमाम जो नायक थे उन नायकों के मन में भी ये बात कहीं गहरे बैठती चली गई कि इस समाज का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए और जो शासन पद्धति हम इस देश के लिए अपनाएं वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो। लेकिन फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद लोकतंत्र का जो स्वरूप सामने आया उसमें एक खास हमें बदलाव देखने को मिलता है और वो ये है कि लोकतंत्र जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों के अंदर राजनीतिक जो शक्ति है उसका उपयोग करने का एक व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखिए जनता के अंदर राजनीतिक शक्ति होने का मतलब ये नहीं होता है कि जनता सीधे सीधे जो है वो लोकतंत्र को संचालित करेगी, बल्कि उस जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रदत्त राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके समृद्धि के लिए और देश को निरंतर आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। ये जो परिवर्तन आया हमें फ्रांस की राष्ट्रीय क्रांति के बाद दिखाई पड़ता है, इसने एक तरह से प्रातिनिधिक लोकतंत्र का स्वरूप लिया जिसको जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। और ये जो प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करने की जो पद्धति है वो हमारे यहाँ पर भी संविधान के अंदर स्वीकार की गई। लेकिन हम देखते हैं कि चूंकि हमारे समाज का जो स्वरूप है वह पूरी तरह से सामंती रहा, इस कारण कोशिश करने के बावजूद भी हमारे वो जो राष्ट्रनायक थे वो राष्ट्रनायक जनतंत्र का वह रूप यहाँ पर विकसित न कर पाए, या यूं कहना चाहिए कि यह एक उनका सपना होकर के रहा। फिर भी हमें यह कहना चाहिए कि आज हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है वह अपने आप के अंदर काफी सशक्त है और जनता जो है इस लोकतंत्र की मुख्य धुरी है।
लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि मैंने कहा समाज का स्वरूप सामंती होने के कारण हमारे लोकतंत्र के अंदर आजादी के बाद जातिवाद, धर्मांधता या यूं कहना चाहिए कि संप्रदायवाद और धनबल और बाहुबल की जो है वो इस तरह से घुसपैठ होती चली गई है कि आज कई बार हमें ये लगता है कि ये जो व्यवस्था हमने अपनाई या जिस जो व्यवस्था हमारे देश के लिए सुनिश्चित की गई शासन की, वह व्यवस्था क्या हमारे समाज के अनुकूल है? और अगर ये सवाल हमारे मन में पैदा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कहीं कहीं जनतंत्र की जो मुख्य शक्ति है जनता, उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि अगर हम धनबल, बाहुबल या जातिवाद या धर्म या क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो लोकतंत्र का एक स्वस्थ स्वरूप विकसित होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। और नतीजा ये निकलता है कि ऐसे लोग संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर पहुंच जाते हैं जिनका लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उस तरह से दृढ़ विश्वास नहीं होता है और वे लोकतंत्र को एक तरह से अपने इशारों के ऊपर चलने वाली व्यवस्था के रूप में मानकर के चलते हैं। तो होता यह है कि इसके लिए जब तक हम यानी जो मतदाता है, जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं वे लोग जब तक अपनी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते, उस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, तब तक लोकतंत्र के अंदर इसी तरह का झोल हमें दिखाई पड़ता रहेगा। जबकि होना ये चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, जनहित के कार्यों से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता और वो केवल अपने निजी हितों को पूरा करने के अंदर लिप्त रहता है, तो मेरा ऐसा मत निजी मत है कि जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वह उसकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरने वाले जनप्रतिनिधि को वापस बुला ले। ऐसी व्यवस्थाएं दुनिया के दूसरे देशों के अंदर रही है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं सोवियत संघ का ही। सोवियत संघ के अंदर किसी जमाने के अंदर ये एक व्यवस्था हुआ करती थी जिसके अंदर वहां पर जो प्रतिनिधि चुनकर के जाते थे वे प्रतिनिधि अगर अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते थे तो उनको जो है वो लौटा लेने की छूट जनता के पास में हुआ करती थी, उनके पास में ये अधिकार हुआ करता था। तो ये जो वापस बुलाने का अधिकार है यानी जिसको अगर हम कहना चाहें तो राइट टू रिकॉल, तो ये जो राइट टू रिकॉल है
ये अगर जनता को के पास में हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि इससे हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अक्सर घोड़ा मंडी के अंदर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक जबरदस्त अंकुश लगेगा और वे इस तरह की गतिविधियों के अंदर लिप्त होने से पहले कई बार ये सोचेंगे कि मुझे यह कृत्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर वही बात आती है, सारी शक्ति जो है वो जनता के अंदर आकर के केंद्रित हो जाती है। तो अभी तो स्थितियां यह है कि एक बार जो व्यक्ति चुन लिया जाता है वो अपने आप को 5 साल के लिए सर्वे सर्वा मान करके चलता है, और स्थितियां यहां तक है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, ये अपराधी किस्म के लोग भी अब हमारे यहाँ संसद और विधानसभाओं के अंदर पहुंचने लग गए हैं, और दुख की बात है कि उन्होंने चुनाव जीतने को अपने अपराधों के ऊपर पर्दा डालने का एक हथकंडा बना लिया है। और आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि चुनाव जीतना जो है वो हमारे यहाँ पर किस तरह का जो है एक टेक्निक बन चुकी है, एक जो है अगर आपके पास में वो जो कौशल है वो मैनेजमेंट है, चुनाव जीतने का मैनेजमेंट है, तो आप आसानी से जो है तो चुनाव के अंदर जो बहुमत है वो हासिल कर सकते हैं और अपने आप को जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर 5 साल तक जनता अपने आप को पूरी तरह से असहाय और निहत्ता अनुभव करने लग जाती है। ये जो स्थिति है ये बदली जानी चाहिए, और मैं समझता हूं कि जिसे हम विवेकशील मतदाता कहते हैं, उस विवेकशील मतदाता के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने से पहले उसका जो रिकॉर्ड है उस सारे रिकॉर्ड के ऊपर गंभीरता से विचार करें, देखें कि ये जो मेरा जनप्रतिनिधि होने जा रहा है वह यह किस तरह की गतिविधियों के अंदर संलिप्त रहा है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, इसने सामाजिक और सार्वजनिक जीवन के अंदर किस तरह के कार्य किए हैं जिससे कि इसे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चुनना चाहिए। ये सारी चीजें एक विवेकशील मतदाता को मतदान करने से पहले अपने संज्ञान में लाना चाहिए, अन्यथा तो होता ये है कि जिसके पास में खूब पैसा है, जिसके पास में पूरी बाहुबलियों की फौज है, वह अपने बाहुबल के आधार पर, अपनी दबंगई के आधार पर, अपने पैसे के बल पर, या और दूसरे जो प्रशासन के अंदर उसके जो रसूखात हैं उन रसूखात के आधार पर वह घुसपैठ करता है और लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर देता है कि वे न चाहते हुए भी उसका चुनाव कर लें। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। एक दौर आप लोगों के ध्यान में रहा होगा, नई पीढ़ी को तो पता नहीं उस बारे में ज्यादा जानकारी है अथवा नहीं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये बात कह सकता हूं कि उस दौर के अंदर जब हमारे यहाँ मतपत्रों के आधार पर चुनाव हुआ करते थे तो जो उम्मीदवार होते थे वे उम्मीदवार खुद कई बूथों के ऊपर कब्जा करके और अपने पक्ष के अंदर मत डलवाया करते थे। जब से EVM आई है तब से वो जो स्थिति है वो तो खैर अब देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अब EVM के माध्यम से और दूसरे तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं।
तो मेरे कहने का आशय यह है कि जनता को इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही साथ उसे ये पुरजोर ढंग से मांग करनी पड़ेगी कि वो जिस व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर के भेज रही है उस व्यक्ति का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल का वह मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत है और अगर वह व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरे तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी उसको मिलना चाहिए। तब ही जाकर के इस लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह हमारे यहाँ पर ज्यादा स्वस्थ हो सकेगा। और इसके साथ साथ एक बात और जो मैं मतदाताओं से उम्मीद करता हूँ कि मतदाताओं को अपने जो छोटी छोटी संकीर्णताएं हैं उनसे ऊपर उठना चाहिए। एक क्या है कि हमारे देश के अंदर अब जो है ना एक पहचान की राजनीति का एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि हर जो उम्मीदवार है वह अपने आप को किसी जाति विशेष के प्रत्याशी के रूप में, किसी धर्म विशेष के प्रत्याशी के रूप में, किसी संप्रदाय विशेष के प्रत्याशी के रूप में, किसी क्षेत्र विशेष के प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने प्रोजेक्ट करता है और मतदाताओं से ये उम्मीद करता है कि वे उसकी पहचान के आधार पर चुनाव के अंदर उसको प्राथमिकता दें। तो मतदाता को ये भी सोचना होगा कि ये जो पहचान की राजनीति है इस पहचान की राजनीति से भी उसे ऊपर उठना होगा और कुल मिलाकर के अपने समाज की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए और देश को निरंतर आगे ले जाने वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले जो सोच और विचार के लोग हैं उन लोगों को उसे अपने द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए जिससे कि वे लोग लगातार जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। अन्यथा हम देख रहे हैं कि चाहे राज्य का स्वरूप संविधान के अंदर लोकतांत्रिक बना दिया गया हो, शासन को भी ये सुविधा दी गई हो कि वह लोकतांत्रिक होकर के जो राज्य की नीतियां हैं उन नीतियों को आगे बढ़ाए, इन सब के बावजूद अगर समाज अपने सामंती सोच से बाहर नहीं निकलता है, अपनी जो संकीर्णताएं हैं उनसे बाहर नहीं निकलता है तो कोई भी लोकतंत्र कामयाब होने के अंदर संदेह है। इसलिए एक विवेकशील मतदाता से ये अपेक्षा की जानी चाहिए और यूं कहना चाहिए कि मतदाता को अपने विवेक के आधार पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने के बारे में सोचना चाहिए। वो कम से कम ये तो सोचे कि कौन व्यक्ति उसके लिए, उसकी भलाई करने के लिए कटिबद्ध है, कौन व्यक्ति उसके समाज के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम कर सकता है, कौन है जो उसके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के ऊपर निरंतर दबाव बना करके उसे इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वह जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो उसने घोषणा पत्र, किसी दल ने अपने घोषणा पत्र के अंदर घोषित की हैं उन घोषणाओं को वह लागू करे। इसके लिए निरंतर उसे जो है एक नागरिकों को एक दबाव समूह के रूप में काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो ये जो सिविल सोसाइटीज हैं उन सिविल सोसाइटीज की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वे
जनता के अंदर ये चेतना जगाए और साथ ही साथ जनता के अंदर इस तरह के दबाव समूहों का निर्माण करे जिससे कि सरकार के ऊपर लगातार ये अंकुश बना रहे, ये नियंत्रण बना रहे और वह स्वच्छंद होकर के या मनमाने ढंग से कोई भी काम न करे। अन्यथा तो लोकतंत्र के अंदर हम देखते हैं कि कई बार जो है वो हम जो है वो एक व्यक्ति को नायक मान करके चलने लग जाते हैं और ये उम्मीद करने लग जाते हैं कि अब तो जो कुछ भी है वो सब इन्हीं के द्वारा किया जाना है, यही हमारे उद्धारक हैं। जबकि ये जो सपना है वो एक खाम ख्याली होकर के रह जाता है और ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम और इतना विचारवान हमें आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है जो जनता की आकांक्षाओं और उसके सपनों को साकार करने के अंदर तत्पर हो और अपने आप को उसके लिए पूरी तरह से समर्पित कर दे। तो इसलिए जनता को निरंतर ये मानना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि उसकी जो भूमिका है वो लोकतंत्र के अंदर केवल घर से निकल करके मतदान केंद्र तक जाने भर की नहीं है। मैंने अपनी एक कविता के अंदर ये लिखा भी है कि हम लोगों के लिए जो लोकतंत्र है वो सिर्फ इतना भर है कि हम अपने घर से निकल करके और मतदान केंद्र तक चले जाते हैं और वहां जाकर के मत डाल देते हैं और ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो चुकी है। जबकि सही बात तो यह है कि जिम्मेदारी मतदान करने के बाद शुरू होती है और वो जिम्मेदारी बड़ी है जिसके अंदर आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप निरंतर इस बात के लिए बाध्य करते रहें कि वह आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे और इस देश की शांति व्यवस्था कानून के राज को लागू करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं समझता हूं कि ये जो बात है वो साथियों के द्वारा और दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाएगी और इससे जो है वो आने वाले चुनाव के अंदर लोगों के अंदर एक समझ विकसित होगी, लोग निश्चित रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल करके और आने वाला जो चुनाव है उसमें अपनी विवेकशीलता का परिचय देंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। साथियों, अभी डॉक्टर मनु शर्मा जी से हम उनके अपने विचार सुन रहे थे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और इस आशा के साथ ये हमें आत्मबल मिल रहा है कि आप लोग अपने कमेंट्स भी देते हैं और प्रोग्राम को, इस चैनल को, इस मंच को प्रति अपनी सह हृदयता बरतते हुए इसे सब्सक्राइब भी करते हैं। तो जैसा कि पिछली बार कहा था मैंने कि इसी विचार को लेकर, इसी सवाल को लेकर मनु जी की सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी आने वाली श्रृंखला में हम सुनेंगे डॉक्टर अनंत भटनागर जी को। अनंत भटनागर जी अजमेर में जीवी महाविद्यालय है उसके प्राचार्य हैं और प्राचार्य होना तो एक अपना एक अलग तरह का कर्म है, लेकिन वो बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत अच्छे विचारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और PUCL के सदस्य हैं, सचिव हैं मानत। तो इस प्रोग्राम के लिए हमने उनसे भी आग्रह किया है, तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में
आप उनको भी सुने और हमें कृतार्थ करें, इसी आशा के साथ नमस्कार।